हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2। इस लेक्चर में बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। और ध्यान रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ज़्यादातर अच्छे क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में। जेई मेन के क्वेश्चन बेसिक आते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसके अंदर एडवांस वाले कराने वाले हैं। पहले कुछ बातें, सम इम्पॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशंस। सम इम्पॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशंस, जैसे जनरल सॉल्यूशन अगर साइन थीटा जीरो है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई। अगर मान लीजिए कॉस थीटा जीरो है तो थीटा होता है टू एन प्लस वन पाई बाई टू। अगर टेन थीटा जीरो है तो थीटा होता है एन पाई। और बात, अगर साइन थीटा वन के इक्वल है तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है टू एन प्लस टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। पांचवा, अगर साइन थीटा माइनस वन है तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है 2n पाई माइनस पाई बाई टू। अगर कॉस थीटा 1 है तो थीटा होता है 2n पाई। एक कंडीशन और, अगर कॉस थीटा माइनस 1 है तो इसकी जनरल वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई। और सभी केसेस के अंदर n belongs to integer, मतलब n integer, integer तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, n belongs to integer। अब कंडीशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब इसके अंदर कोई नोट की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ी थोड़ी बातें जो बहुत काम आने वाली हैं। क्या बातें हैं? नेवर कैंसिल टर्म्स कंटेनिंग अननोन्स ऑन द साइड्स ऑन टू साइड्स विच आर प्रोडक्ट। क्या कहता है? अगर अननोन क्वांटिटी, मान लीजिए ऐसा है टेन एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स, इस तरीके से लिखा है, तो मैंने क्या बोला, नेवर कैंसल टर्म्स कंटेनिंग अननोन्स ऑन टू साइड्स विच आर इन द प्रोडक्ट। कैसे? मान लीजिए ऐसे लिखा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स, तो कहता है साइन एक्स को साइन एक्स से कैंसिल, अगर तुमने कैंसिल किया तो क्या जाएगा, वन अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टू, तो कॉस एक्स आता है वन बाई टू। दूसरी बात, अगर कैंसिल नहीं करना तो हम क्या करेंगे, पहले टू साइन एक्स कॉमन लेंगे, वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन आते हैं, एक आता है साइन एक्स जीरो और एक आता है कॉस एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। तो एक बात देखिए, यहाँ पर ये सॉल्यूशन गायब हो जाता है, इसलिए मेथड गलत है, ये मेथड बिल्कुल सही है। तो दोनों साइड में कभी भी हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे। दूसरा नोट, अगर दो टर्म को हमें इक्वेट करना है, इक्वेट कैसे करना है, मान ली दो का प्रोडक्ट है कॉस एक्स और टेन एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई जीरो है, तो अगर यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जरा एक बात देखिए, अगर कॉस एक्स जीरो तो टेन एक्स बन जाता है इसके अंदर इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट इक्वेट ना करके डिसीजन देना पड़ेगा, कॉस एक्स जीरो नहीं होगा तो फिर क्या जीरो होगा, टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका हम रिजल्ट जानते हैं एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ये कंडीशन। नोट नंबर थ्री में आता है अवॉइड स्क्वायरिंग। क्या होता है स्क्वायरिंग में? मान लीजिए मेरे पास x इज इक्वल टू टू है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, अब तो आ जाता है x की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस टू। पहले था ओनली टू, स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाता है, प्लस माइनस टू। तो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, एक्सट्रेनियस रूट आ जाते हैं, एक्सट्रेनियस रूट मतलब कुछ एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन, अगर तुमने कहीं पर स्क्वायर किया है
तो आंसर आने के बाद उसे सेटिस्फाई करा के देख लें कि आंसर सही है या आंसर गलत है। जो उसे सेटिस्फाई करेगा उस आंसर को हम लेंगे। जैसे हमने स्क्वायर किया, पहले लीनियर था 1 डिग्री का, ये बन गया 2 डिग्री का, अब इसके 2 आंसर होंगे मगर मुझे चाहिए 1 आंसर, तो कंडीशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई करा के चेक कर लेते हैं। नोट नंबर 4, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो लिख दीजिए डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एनी स्टेज, किसी भी स्टेज के अंदर डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने कुछ बेसिक बातें बताई जिनका यूज होगा। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल है, पहले एग्जांपल से द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करें पहले डी रूल से, साइन एक्स इज इक्वल टू डी रूल प्लस माइनस 4ac/2, तो आ जाता है 1 ± √5/2, तो जी आता है ये 1 ± √5/2, क्यों, क्योंकि 1 ± √5/2 1 से ग्रेटर होगा और साइन की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो नहीं सकती, तो अप्रोक्सीमेटली आता है -0.6 के आस पास है। अब हम सोल्व कैसे करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ कांस्टेंट, तो इसे वाई एज्यूम कर लेते हैं, दोनों का ग्राफ बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक, -2π से 2π तक, तो साइन का ग्राफ -2π से 2π तक, ले लीजिए 0π 2π -π -2π, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1, हमें -0.6 चाहिए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर -0.6, तो बस y = -0.6 की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए कितने पॉइंट पर कट करती है, y = -0.6, तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते हैं इसके अंदर 4। इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का ये तरीका होता है। एग्जाम्पल 2, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये लगता है tan a - b का फॉर्मूला, तो लगा देते हैं, सभी को आसान लगता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, tan a - b, तो आ जाता है tan x = 1, तो x आ जाता है n π + π/4। नॉर्मल अगर कोई सोल्व करता है इसे, अब देखते हैं हमें 0 से 2π तक की वैल्यू चाहिए, तो एक बार तो रख देते हैं इनको 0, एक बार रख देते हैं इनको 1, तो जब 0 रखते हैं तो आता है x की वैल्यू π/4, और जब 1 रखते हैं तो वैल्यू आती है 5π/4। बस हमें 0 से 2π तक की वैल्यू है ये चाहिए, तो अगर मैं ये करता हूँ तो ये आंसर मेरा गलत होगा पूरी तरह। रीज़न क्या है इसका, मेरे पास x = nπ + π/4 है, तो बताइए 2x कितना होगा, 2nπ + π/2, तो tan 2x होगा नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, तो यहां पर होगा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कंडीशन इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 0। ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन सभी का गलत होता है, यहाँ से x की वैल्यू nπ + π/4 लिखते हैं जनरल वैल्यू, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 टिक लगा देते हैं एग्जाम के अंदर, जबकि मैं देखता हूँ 3x 2x 2x देखता हूँ तो ये इन्फिनिटी आ जाता है, नो डाउट। तो कंडीशन क्या आ जाता है इसके अंदर, tan 2x इन्फिनिटी, तो आ गया नो सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इसके अंदर 0, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0, ए आर इज करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल 3, इफ x इज नॉट इक्वल टू nπ/2, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर है, एंड cos x, तो देखिए जब x इज नॉट इक्वल टू nπ/2 है तो कभी भी cos x नहीं होगा, क्या ना 0 होगा ना 1 होगा ना माइनस, देखिए जब पाई बाई टू होता है एन अगर 1 होगा इंटीजर है तो cos x हो जाएगा 0, मना कर देना 0 नहीं हो सकता, अगर n होगा 2 तो पाई, cos पाई कितना होता -1, n होगा अगर 4 तो बताइए कितना होगा 2π, और cos 2π कितना होता है 1, या कुछ भी लिख दो cos 0 भी 1 होता है, ये x नहीं हो सकता, तो नीचे वाला ना तो 0 हो सकता ना 1 ना -1, क्या करें इसके अलावा कुछ भी होगा, ये तो है ही नहीं कभी भी कंपेयर करने के लिए, ये तो ना नीचे 0 हो सकता ना नीचे 1 हो सकता ना नीचे -1, तो इसका मतलब क्या, ऊपर वाली वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को 1 होने के लिए इसकी ऊपर वाली वैल्यू को 0 होना होगा,
अब इससे इसकी वैल्यू आती है, दो वैल्यू, एक तो आती है साइन एक्स वन और एक आती है साइन एक्स टू। भाई देखिए साइन एक्स टू तो कभी हो नहीं सकता और साइन एक्स वन हो नहीं सकता, क्यों? उसने मना किया, एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई बाई टू। तो अगर मैं इसको निकालता हूँ तो पाई बाई टू, अगर पाई बाई टू का मल्टीपल लिख दिया, एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई बाई टू, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या आंसर आ गया? नन ऑफ दीज, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नन ऑफ दीज, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। गलती से x इज इक्वल टू वन साइन एक्स आ जाता वन, तो हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, मगर उसने पहले ही मना किया x नहीं होगा पाई बाई टू का मल्टीपल। लिए चलते हैं एग्जांपल नंबर फोर पर। k cos x इज सॉल्वेबल, देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, k की इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं। याद करो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले आर्टिकल पहले लेक्चर के अंदर, रूट अंडर रूट के स्क्वायर प्लस नाइन, पहले लेक्चर के अंदर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का बात थी, ये इसके बीच में लाई करता है और ये बीच वाली वैल्यू किसके इक्वल है? के प्लस वन। देखो ये तो ऑलवेज ट्रू है क्योंकि प्लस क्वांटिटी हमेशा माइनस से ज्यादा होगी, कोई भी कंडीशन हो जाए। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, के प्लस वन का स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस नाइन, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, के स्क्वायर प्लस नाइन, के लेस और इक्वल टू फोर आ जाता है, क्या पूछा जाता है जिसके अंदर। देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, के की कितनी वैल्यू? वन टू थ्री फोर, ये होंगी क्योंकि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना जीरो पॉजिटिव होता है ना जीरो नेगेटिव होता है, बट जीरो इंटीजर होता है। तो आंसर आ गया बी इज करेक्ट, फोर आंसर। एग्जाम्पल फाइव, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कंडीशन क्या करें ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा सिंप्लीफाई करने का पैटर्न। कॉस की पावर 100x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन की पावर 100x। जरा एक बात देखिए, एल एच एस लेस और इक्वल टू 1, बट आर एच एस ऑलवेज ए ग्रेटर इक्वल टू 1। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि साइन की पावर इवन है ऑलवेज जीरो से ग्रेटर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड लेस और इक्वल टू 1, राइट हैंड ग्रेटर इक्वल, दोनों का समझौता कब होगा? जब ये भी 1 हो जाए एंड ये भी 1। दैट इज एक बार इसको 1 रखना होगा मुझे एंड एक बार इसको 1। अब इन ऐसी वैल्यू एक्स की जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो यहां से आ जाता है जी साइन की पावर 100 एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स आ जाता है एन पाई। अब देखते हैं क्या एक्स इज इक्वल टू एन पाई सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं जी। कॉस एन पाई, याद करो पहले चैप्टर में, पहले लेक्चर में कॉस एन पाई था माइनस वन की पावर एन की होल पावर 100 इज इक्वल टू 1 और माइनस वन की पावर 100, ये इंटरचेंज हो जाता है आपस में कंप्लीट मैथ में, एन टू 1 और 1 इज इक्वल टू 1, ऑलवेज ट्रू है। तो आंसर आता है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एन पाई। अब कहता है इस बीच में मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, देखिए एन को रखिए माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, तो ये सभी सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन होंगे? फाइव। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के फाइव सॉल्यूशन है, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, माइनस टू पाई माइनस पाई जीरो पाई टू पाई, हमें इस बीच में चाहिए, तो आगे फाइव सॉल्यूशन। नंबर सिक्स, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बहुत अच्छा, पहले इस इक्वेशन को सही रूप में लिख लेते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टेन, y इज इक्वल टू, एक बात इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात छोटी सी बात क्या है जी, साइन एक्स लाई करता है वन और माइनस वन, तो x की वैल्यू हमें क्या चाहिए? जो कंडीशन है वो कहता है x की वैल्यू होनी चाहिए केवल माइनस टेन से टेन के बीच में, ये कहा उसने, x लाइज बिटवीन माइनस टेन टू टेन। तो पहले मुझे साइन x का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, उसके बाद मुझे कंडीशन का पता लगाना होगा। तो चलिए जी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है, टेन का मतलब 3 पाई के आसपास, 10 का मतलब क्योंकि पाई होता है 3.14, तो 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा है, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, और यहां मान लीजिए 10 पर इसकी वैल्यू जस्ट 1 है, या -10 इसकी वैल्यू जस्ट -1 है, क्योंकि इसकी रेंज होती है -1 से 1 तक, -पाई, -2 पाई। अब हम क्या करते हैं, देखिए मुझे लाइन का एक ग्राफ, साइन का ग्राफ तो मैंने ड्रॉ किया, अब मुझे लाइन का एक्स बाई टेन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो बस मैं यहां से इन दोनों पॉइंट को मिला देता हूं, ये लीजिए। अब जरा बयान से ध्यान से देखिएगा, आगे ये लाइन है 1 पर मैक्सिमम पॉइंट इसका 1, और ये वैल्यू -1, तो इससे ऊपर अगर ग्राफ आता है तो ग्राफ से बाहर निकल जाएगी लाइन, और ऐसे ही ग्राफ से बाहर, क्योंकि रेंज है इसकी -1 से 1 तक साइन की, तो यहाँ पर कितने पॉइंट, दोनों ने कितने पॉइंट पर कट किया, 1, 2, 3, एक जीरो वाला 4, 5, 6, 7, तो 7 आ गया इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जितने पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कट करेंगे इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 7। एग्जांपल 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू के, हैज एट लीस्ट 1, यानी कि सॉल्यूशन रखता है, तो हम दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 sin² x, 2 क्योंकि साइन और कॉस में क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है मुझे, इसलिए ऐसे लिखा मैंने 2k, याद करो वैल्यू होती है 1 - cos 2x, और ये है जी sin 2x, ये आता है 2k, फिर आता है sin 2x - cos 2x, 2k - 1 आ जाता है। पहले लेक्चर में मैंने मैक्सिमम वैल्यू की बात की थी, जरा उसी बात को लेकर चल रहे हैं, दोनों एंगल सेम है, जरा ध्यान से देखो, sin 2x cos 2x, ये होगा लेस और इक्वल टू √2, ग्रेटर इक्वल टू -√2, पहले लेक्चर से याद करिए, पहले लेक्चर में पॉइंट बताया गया था, a sin x + b cos x + c की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, थोड़ा सिंप्लीफाई, ये है जी -414, और ये था 2k - 1, 1.414, 1 ऐड कर देता हूँ, -414, 2k लेस और इक्वल टू 2.414, 2 से डिवाइड, अब कहता है देन द सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, के की इंटीजर वैल्यू क्या क्या है, 1 0 और 1 है, तो बस इनका सम क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, 0 + 1 यानी के 1, इनका सम होगा 1, बी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन देख लीजिए, पहले लेक्चर से मिक्स होकर के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8, ये कहता है इफ लैम्डा साइन एक्स प्लस कॉस 2x, बहुत अच्छी बात, कॉस 2x को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉसेसिस अ सॉल्यूशन, देन द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की सभी इंटीग्रल वैल्यूज का सम बताइए, तो लैम्डा साइन एक्स प्लस 1 - 2 sin² x प्लस 7 2 λ 2 sin² x माइनस लैम्डा साइन एक्स प्लस 2 λ - 8 = 0, तो साइन एक्स आता है -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा माइनस एट बाई फोर। अगर हम प्लस का साइन लेते हैं तो आता है टू लैम्डा माइनस एट बाई फोर, माइनस का लेते हैं तो आता है टू। साइन एक्स क्या नहीं हो सकता, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, इसलिए साइन एक्स क्या होगा जी, साइन एक्स होगा ऊपर नीचे टू से डिवाइड कर दीजिए ये। बट हम जानते हैं साइन एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, साइन एक्स माइनस वन और वन के बीच में लाई करता है, ये लीजिए। तो आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा लेस और इक्वल टू सिक्स ग्रेटर इक्वल टू टू, तो ये आती है लैम्डा की वैल्यू। कहता है द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ऑल है जी टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, इन सबको ऐड, ये आ गया जी ट्वेंटी। उन सभी वैल्यू को ऐड करके बताइए कितना आता है जी आंसर, ट्वेंटी आ जाता है। लैम्डा की ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल मतलब इंटीजर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सबको ऐड करा रहा है। यह जी जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है कुछ नहीं, पहले 5 बाई 4 याद करो, पहले चैप्टर में रटवाया था ये था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी रटवाया था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाता है जी कॉस स्क्वायर 2x माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 2 और 3 5, 5 से 5 पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। मैं दिखा रहा हूं कि एडवांस का क्वेश्चन कैसा, देखिए साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्कॉस 2 थीटा होता है जी, आ जाता है कॉस 4x इज इक्वल टू 0। आज मैंने 0 का रिजल्ट याद कराया था, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो x आ जाता है जी 2n प्लस 1 पाई बाई 8, n belongs to integer। अभी तक सिंप्लीफाई होकर के ये आता है, कहता है इस इंटरवल में सॉल्यूशन चाहिए तो कुछ नहीं करना, x हमें मालूम है 2 पाई और 0 के बीच में लाई करेगा, x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 8 2n प्लस 1 लेस और इक्वल टू 16, माइनस 1 करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस बीच में n की वैल्यूज क्या क्या है, देखिए n की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो कहता है टोटल कितनी वैल्यू है, टोटल 8 वैल्यू है, तो आंसर आ जाता है जी 8। एडवांस का क्वेश्चन है, खुद देखो लेवल कैसा आता है पेपर के, जो बातें बताई जा रही हैं उसका ही पेपर आता है सारा, उन्हीं पॉइंट को यूज़ किया जाता है। ये भी रटवाया था मैंने पहले एक्सरसाइज में, पहले लेक्चर में, ये भी देखिए, बट एन इंटीजर होता है तो देख लेते हैं एन क्या क्या होगा, इस बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कितने होंगे जी 8। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन, द इक्वेशन, ज़्यादातर ये इक्वेशन का जो चैप्टर है ये एडवांस का ही मान लीजिए टोटल चैप्टर, क्योंकि मेन के अंदर तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो ये फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लेते हैं, माइनस के साथ कॉमन, और इसको लिख देते हैं जी हम 4 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 3, आता है 2 cos 2x sin x प्लस 4 sin x cos x इज इक्वल टू 3। अब कॉमन देख लेते हैं जी, कॉमन आता है इसके अंदर
माइनस टू साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं और कॉस टू एक्स को लिख देते हैं, पहले पहले लिख देते हैं, पहले कॉस टू एक्स माइनस टू कॉस एक्स इज इक्वल टू थ्री। ध्यान से देखते रहिए, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने की टेक्निक देखिए पहले, और यहां कंडीशन दिया है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। इसको लिख सकते हैं हम टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन फिर टू कॉमन ले लेते हैं माइनस फोर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू थ्री। ध्यान से देख लीजिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसे बना देते हैं परफेक्ट स्क्वायर, कॉस एक्स माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर और हो जाता है माइनस थ्री बाई फोर। अब जरा शिफ्ट कर देते हैं, माइनस फोर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री इंटू वन माइनस साइन एक्स। अब जरा एक बात देखिए, साइन एक्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, तो साइन एक्स तो होगा पॉजिटिव, तो इससे पता चलता है साइन एक्स की वैल्यू लेस और इक्वल टू वन ग्रेटर देन जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है, पाई बाई टू पर तो इक्वल हो जाएगी वन। तो देखिए राइट हैंड साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो है और लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज, देख लिख देता हूँ, एल एच एस लेस देन जीरो बट आर एच एस ग्रेटर इक्वल टू जीरो। बहुत ध्यान से देखिए, एल एच एस तो हमेशा नेगेटिव है और आर एच एस क्या होगी, देख लीजिए ध्यान से, आर एच एस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्यों, या जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। तो यह आ गया नो सॉल्यूशन, कोई समझौता है ही नहीं। तो खुद देख लीजिए आईटी एडवांस के क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर के अंदर, आ गया नो सॉल्यूशन। जेई एडवांस 2006 का क्वेश्चन है जी, इस कंडीशन में पूछा था सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा की वैल्यू के सेट पूछ रहा क्या होगा, तो पहले फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर बहुत आसान है, इसके फैक्टर हो जाते हैं जी साइन थीटा माइनस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। देखिए ये पोर्शन ऑलवेज कैसा है, ये नेगेटिव है या नहीं, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव, तो हमें पता चल जाता है टू साइन थीटा माइनस वन लेस देन जीरो, तो साइन थीटा की वैल्यू है जी लेस देन वन बाई टू। अब हम पता लगाना होगा ग्राफ के थ्रू कि हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, ग्राफ हमें चाहिए जीरो से टू पाई तक बस। तो बस साइन का ग्राफ बनाते हैं जीरो से टू पाई तक, ये ग्राफ है साइन का जीरो से टू पाई तक, मगर टू पाई के भी इक्वल नहीं है तो ओपन लगा देता हूं यहां पर, और जीरो के भी इक्वल नहीं है, जीरो ये पाई और ये है टू पाई, मैक्सिमम वैल्यू वन और मिनिमम वैल्यू माइनस वन। अब वन बाई टू, वन बाई टू की वैल्यू यहां पर होगी, तो वन बाई टू की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लो जी वन बाई टू, ये मैंने वाई इज इक्वल टू वन बाई टू की लाइन और वाई इज इक्वल टू साइन थीटा ग्राफ, जब वन बाई टू रखते हैं तो ये आता है जी पाई बाई सिक्स जो कट करता है, और एक आता है जी फाइव पाई बाई सिक्स। ये कैसे आता है जी, रफ वर्क में काम करिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू को सोल्व कर लीजिए जीरो से पाई तक नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू पाई तक, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है वन बाई टू, तो जीरो और पाई के बीच में सॉल्यूशन केवल दोगे पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स दो सॉल्यूशन होंगे। अब कहता है साइन थीटा वन बाई टू से लेस हो, लेस मतलब नीचे इक्वल ना हो, तो यहाँ पर भी मुझे ओपन लगाने होंगे, लेस हो यानी कि वन बाई टू से नीचे वाला आंसर, देखो जो मैं ये कट लगा रहा हूँ ये मेरा आंसर है,
इस लाइन से नीचे वाला तुम्हारा आंसर है, इस लाइन से नीचे नीचे वाला सारा तुम्हारा आंसर। साइन थीटा लेस देन 1/2 तो आता है थीटा बिलोंग्स टू, देखिए 0 to π/6 ओपन आएगा सब पर, यूनियन 5π/6 to 2π, ये तुम्हारा फाइनल जवाब है। 0 to π/6 यूनियन 5π/6 to 2π ए इज करेक्ट आंसर। तो देख लिए एडवांस का पेपर कितना आसान आता है। अब एक एग्जांपल और करते हैं, इस टाइप का एग्जांपल करने का क्या प्रोसीजर है, ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। पहले हम नीचे वाली वैल्यू को सपोज कीजिए ए एज्यूम कर लेते हैं, अब रूट के अंदर देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो दोनों के मल्टीप्लाई का डबल होगा √3 sin 2x जो कि इसके अंदर है। अब मैं इसका स्क्वायर करने जा रहा हूं ए स्क्वायर, तो 3 sin²x + cos²x + √3 sin x × cos x, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 1 - अब मैं मल्टीपल में कन्वर्ट कर रहा हूं इसे −cos²x/2 और ये होगा जी 1 + cos²x/2। पहले चैप्टर में इसके फॉर्मूले लिखे थे रेशो आइडेंटिटी के अंदर, +√3 sin²x। सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है √3 sin²x − cos²x + 2, यह आ गया जो रूट के अंदर वही आ गया। और अगर मैं लगा √a² तो मैथ कहता है रूट हटा मोड लगा तो क्या आएगा, रूट ऑलवेज पॉजिटिव मोड a आएगा, तो हमारा रिजल्ट बन जाता है √a = 4। ये रिजल्ट बन जाता है √a = 4, ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाता है। तो इसलिए ए की वैल्यू क्या होगी, ओनली +−2। देखिए जरा 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो चाहे ऊपर माइनस हो प्लस होल स्क्वायर ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ए की वैल्यू +−2 आ जाती है। तो आ जाता है √3 sin x + cos x + −2, 2 से डिवाइड 1/2, पहले कॉस लिखा करो हमेशा, 2 sin x = +−1। देखो ध्यान से पहले, और वैसे में मालूम है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी −2, तो मैंने 2 a की पावर यानी कि 2 की पावर +−2 का मोड है तो प्लस होगा, तो +−2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहां पर मैंने 2 के इक्वल रखा, यहां पर a की वैल्यू मैंने पुट कर देता हूं, मेरे पास वैल्यू प्लस, मैंने 2 से डिवाइड किया, अब मेरा क्या रिजल्ट बनता है इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। या जाता है cos a cos b + sin a sin b cos a - b, या तो 1 यानी कि 1 का मतलब cos 0 या होगा −1 cos π, तो आता x, और वैसे मुझे आंसर चाहिए −π से π तक, −π/3 रिजल्ट, तो हमें टोटल लिखना होते हैं जनरल वैल्यू के साथ 2nπ, एक है जी 2nπ + π, तो आता x, एक तो आता है 2nπ + π/3 एंड एक आता है 2nπ + π + π/3। मुझे आंसर चाहिए −π से π तक, जब n को 0 रखता हूँ तो एक आंसर तो आता है मेरा π/3, और जब यहाँ पर n को मैं रखता हूँ −1 क्योंकि मुझे −π से π तक चाहिए, तो x आता है −2π + π + π/3 −2π/3, तो दोनों आंसर मेरे −π से π के बीच में हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी, 2 वैल्यू होंगी, तो a इज करेक्ट आंसर, इसकी होंगी 2 वैल्यू। आज ये चैप्टर बंद हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस जो कि जेईई मेन का चैप्टर है।